फेस हुआ था कुछ एंड देन इट वाज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच यू ऑल केम टुगेदर एंड बिकेम अ टीम. हल्की फुल्की टेंशन तो रहती है लेकिन मजे की बात ये थी कि एवरीबॉडी वाज सो इन्वॉल्वड कि नाउ दैट आई लुक बैक एंड नाउ दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन शूट करना ज़रूरी होता था, खेलना ज़रूरी होता था कि खेलना है. और मैं तो आई वॉज अ नोविस, मुझे तो नहीं क्रिकेट का हाथ, मैं तो बड़ी मुश्किल से सीखना शुरू की थी. उस पर मेरी इंजरी हो गई तो मैंने बैठ की एंड एवरीबडी, मुझे सारी लड़कियां मेरे साथ बैठ के मुझे सिखाती होती थी, मुझे बाकायदा सिखाती होती थी, बताती होती थी कि ऐसे करना है वैसे करना है. और उन्होंने डायरेक्शन भी फुल ली, बड़े मज़े से डायरेक्शन लेती थी वो, कहती थी. और हम तो कभी कभी परेशान हो जाते थे, हम कहते थे कि ये सीन शायद मुश्किल ही हुआ. फॉरेन ओके, वाओ, एंड यू लाइक अच्छा ओके. सो ये किसका आइडिया था कि आप इसको जाके एक्चुअली क्रिकेट खेलना सीखें फॉर दिस? जाके सीखूं? ओह इट वाज गिवन. जिस दिन ये कंसीव हुआ था, मतलब आपका अपना था या ये टीम एज अ टीम डिसाइड किया था आप लोगों ने? आई विल टेल यू व्हाट, जिस दिन ये हमने आइडिया कंसीव किया था ना, निशान इमरान और आप बैठे हुए थे, बिल्कुल आइडिया कंसीव हुआ, ठीक है, मैंने कहा मैं क्रिकेट सीखूंगी, ठीक है, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, आई एम गोइंग टू लर्न क्रिकेट, बट यू डिडंट नो व्हाट वाज गोना हैपन टू यू. आई हैड जीरो आइडिया क्या होने वाला है. आधी एक्साइटमेंट तो मुझे ये थी, अच्छा मुझे बड़ा होता है कि मैंने ना नई नई चीजें सीखने हैं, आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, आई वांट टू लर्न. आर यू अ स्पोर्टी पर्सन? जीरो. हां तो वही तो कह रही हूं, जीरो. इतनी एक्साइटमेंट किस चीज की थी? गर्मी में, सॉरी नॉट टू अंडरलाइन द क्रिकेटर्स, बट मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स और जिम मेरे लिए नो नो है, तो आई एम लाइक गर्मी में खड़े होके, अच्छा ओके आई कैन वॉच इट बट नॉट प्ले इट. देखें एक्टिंग तो उसमें तो कोई मेरे लिए वो नहीं होता, देर इज़ नो अदर क्वेश्चन अबाउट इट, कि अगर कोई भी रोल किसी किस्म का हो और अगर हालात ऐसे मुश्किल हो, अनलेस अनटिल मुझे बताओ कि अच्छा बहुत ही हम इम्पॉसिबल है कि नहीं ये तो अपनी जान अपने आप अब्यूज़ करने के उस पर है, तो नहीं फिर नहीं, फिर नहीं आई स्टॉप. अदरवाइज तो मैं कितनी करें, क्या करना है बताएं, लेट्स डू इट, लेट्स गो, लेट्स डू समथिंग जो नहीं हुआ पहले, देखते हैं कितना कर लेते हैं, लेट्स पुश आवरसेल्व्स. वर यू अ क्रिकेट फैन बिफोर दैट? या मेरी क्रिकेट ना इज अ वेरी, आई हैव अ वेरी स्पेशल मेमोरी विद क्रिकेट, मेरे लिए बड़े दिल के करीब है क्योंकि मैं अब्बू के साथ बैठ के मैचेस देखती हूँ. अभी भी हम देखते हैं मैचेस चल रहे होते हैं तो हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि अच्छा बताएं स्कोर क्या चल रहा है, अगर हम साथ नहीं भी होते तो क्या स्कोर चल रहा है, अच्छा उसकी बैटिंग देखी, ये बॉलिंग देखी, एनालिसिस करने का हमें बड़ा शौक है. अब्बू तो इज़ वेरी गुड एट इट. फिर तो आपको पता होंगी सारी आइटम्स, तो एक तो प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व होगी, यू न्यू क्या है, अब वो सिर्फ प्रैक्टिकली करनी थी. अब नहीं नहीं अच्छा क्या, बिकॉज क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट जो था वो मेरे अब्बू के साथ था. ओके, उसके साथ था तो उस वक्त मैं पूछ लेती थी अच्छा ये क्या है, इसका इसका मिड विकेट क्या होती है, ये कौन सी बॉल कर रही है, ये क्या यॉर्कर क्या होता है, ये क्या है, तो फिर मुझे बताते होते थे कि ये होता है वो होता है. और बाकी हम उनके साथ वो होते थे, मैं और अब्बू बैठ के एनालिसिस करते होते थे, हम बॉडी लैंग्वेजेस देखते थे, इस तरह के एनालिसिस. मैं कहती थी ये मैच आज हम हारेंगे या ये मैच आज हम जीतेंगे, नॉट द टेक्निकल. फिर क्या कोई वो डायरी बना ली थी क्या कि मिड विकेट ये होता है, यॉर्कर ये होता है, ये जब स्टार्ट किया बना ली थी रेफरेंस के लिए? मुझे आई एम जस्ट आस्किंग. बिल्कुल बनाई थी. जो फिजा की मैं जो बात कर रही हूँ, फिजा ने मुझे एक एक चीज, शी हेल्प मी आउट विद ईच एंड एवरीथिंग, इवन थ्योरी तक, टेक्निकलिटीज तक, विद ईच एंड एवरीथिंग. तो अब तो आप प्रो होंगी, अब आप तो बड़ा डिटेल्ड और टेक्निकल एनालिसिस करती होंगी. मैं झूठ बोलूंगी अगर मैं कहूंगी कि हाँ. ओके, एक्सप्रेशंस ऐसे थे तो ऑफ कोर्स यू नो, पर आया मैं झूठ बोलूंगी अगर मैं, यू आर मैं ड्रामा कोई ना आप ऐसे, सॉरी मैं अपनी फेवरेट हूँ वो मुझे पता चल रहा है मुझे अभी भी उस दिन मैंने पोस्ट लगाया, तो कल परसों की बात है ना, तो मैंने पोस्ट लगाया, मैंने कहा हाँ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ ना, ये मैं ट्रेनिंग वाला पोस्ट लगाती हूँ. अच्छा टर्न्स आउट दैट वाज आवर फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, और मुझे नीचे लोगों ने कहा ये आप तो जाए बाबर आजम के साथ जाके ओपनिंग करें, इतना अच्छा खेल रही है. एक तो मैंने बड़ा सीरियसली ले, मैंने कहा वाओ यार तो बड़ा जबरदस्त, आई मस्ट से कि बाबर आजम के साथ जाऊं मैं खेलने, आई शुड कॉल बाबर, आई थिंक वी शुड ओपन टुगेदर, बट देन टर्न्स आउट नो इट वाज सार्कैज़म. तो मैंने कहा एंड हाउ डिड आई फाइंड आउट, how did I find out? Adnan Siddiqui calls me. He called me last night. He's like, "Gudiya, ye jo tum cricket khel rahi ho." Maine kaha, "Kaisa laga phir?" So he goes like, "Ke, haan, acha hai, lekin ye jo tumhara front foot hai na, इस पर ये ना टेढ़ा जा रहा है, इसको सीधा जाना चाहिए." मैंने कहा हाँ ये तो मुझे पता है. कहते तो कर क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा अदनान ये तो पहले दिन की ट्रेनिंग है.
तो लिखो तुम पहले दिन की ट्रेनिंग है. एक सेकंड, वो एवरीथिंग दैट पीपल वर सेइंग, इट वाज नॉट, इट वाज सार्केज्म. मैंने कहा ना ना, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपको पता 24 घंटे से पोस्ट लगी है. तू मुझे कह रहे, वो भी हंस रहे हैं से, नहीं तुम मुझसे पूछ लिया करो, तुम्हें कैप्शंस मैं बताया करूं. मैंने कहा खुदा के वास्ते बता दिया ये. ओह माय गॉड, मैं तो, मैं आपके साथ थी, मैंने भी उस कमेंट को सीरियसली लिया था. उनको बताओ. The funny is, so many girls, they were like, wow, this is so amazing. मैं कहा ये काम हो गया. Oh my goodness. आप लोग देख ले, मैं कितना cool निकल रही हूँ. Turns out, नहीं भी. तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं, this was the first day. मुझे उसमें सिर्फ अपनी ना, उसमें सिर्फ एक गलती मुझे पता थी कि मेरा ना हाथ पूरा स्विंग नहीं हो रहा था. पहले दिन नहीं होता था मेरा हाथ स्विंग, मुझे टाइम लगा था उसमें. मैंने कहा, मैंने बड़े शोर से बताया भी दांत, मैंने कहा दांत मुझे पता है मेरा हाथ नहीं स्विंग हो रहा. कहने नहीं गुड़िया, मेरी बात सुनो. ये बात नहीं है गुड़िया, कोई और बात है. तुम्हारा बैट भी खुला हुआ नहीं, एक नहीं दो तीन चीजें. आप लोग अच्छा ग्राउंड में प्ले करने का फील कैसा था उस वक्त? आप लोग फील करते थे कि वाकई कुछ हो रहा है या बस उस वक्त शूट एंड प्रैक्टिस एंड यू नो एक्टिंग हो रही होती थी? नहीं नहीं बिल्कुल. इतनी गर्मी थी ना, हम भूल जाते थे कि कैमरे लगे हुए. ये बिल्कुल वो वाला था जो बाबर आजम के साथ ओपन किया था. ये बिल्कुल वो वाला बिल्कुल था. ओह माय गॉडनेस. मैं आपको एक दिन तो यू थिंक मेरे पास इतना टाइम था कि मैं ग्राउंड का एंजॉय करती. इट वाज हॉट. आई एम सॉरी. हम एक दिन हम लोग एक दिन मैं और वहाँ आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे. हम अच्छा मेरी तो चलो इंजरी हुई हुई थी ठीक है. ये हमारा हमने शुरू किया था पहले अच्छे, पहले हम नाइट शिफ्ट कर रहे थे ना, तो अच्छा था. अच्छा था, धूप नहीं थी. क्या बड़ी बात है, कर सकते हैं. पहले तो मैं क्रिकेट शुरू की थी ना, तो किसी की कोनी टेढ़ी होगी. एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ, वो तो क्रिकेटर्स भाई, वो तो धड़ाधड़ लगे थे. अच्छा किंजा हमारे साथ, किंजा रजाक ठीक है, माय जान का टोटा, वो क्रिकेटर है भाई पूरी. ओह वाओ ओके. वो पूरी क्रिकेटर है. आप तो सड़ गई होंगी. मैं नहीं, सड़ना तो दूर की बात, मैं तो यही होती कि यार किंजो फिर तुम या मुझे भी सिखा दो. मैं ये कैसे किया तुमने? ये हुआ कैसे? ये मुझसे तो नहीं हो पा रहा. बट शी रियली हेल्प्ड मी अ लॉट. उसने क्या था कि हम जब ख़त्म हो जाता था ना, हमारा शूट ख़त्म हो जाता था, तो क्योंकि अब वहाँ पे सामान तो था साड़ा क्रिकेट चल रही होती थी, तो क्या कहते हैं वो खेलती रहती थी, वो खेलती रहती थी, खेलती रहती थी. और उसको देख के बड़ी टेंशन भी होती. सही बात है. अच्छा खेल रही है. अल्लाह खैर करे. ये तो बड़ा मैं कहा किनसे पता है, मुझे भी सिखा था. क्योंकि आओ प्रैक्टिस करो. मैं प्रैक्टिस करने जाऊँ तो मेरा माई हैमस्ट्रिंग गॉट रप्चर्ड.